हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरी एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट एंड ग्रेट पर्सनालिटी चंदा कोचर। एंड इनकी लाइफ की जर्नी ना बहुत ज़्यादा आपको इंस्पिरेशन करेगी, बिकॉज इनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी से, एंड फिर ये मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO तक ये बनी थी ICICI बैंक में। इनकी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी 1993 से स्टार्ट हुई थी मेन जर्नी, एंड 2018 पे आके इनकी जर्नी खत्म हो गई। ओके, तो ये स्टोरी आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, बिकॉज हम ना लाइफ में हम जब स्टार्टिंग फेज से देखें तो हमें स्टार्टिंग में हम स्ट्रगल करते हैं। डेफिनेटली पढ़ने के टाइम हमें इतना एफर्ट करना पड़ता है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, आफ्टर दैट हमें जॉब के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। डेफिनेटली ऐसा नहीं कि क्वालिफाई करते इमीडिएट जॉब मिल जाता है, कुछ लोगों को मिल जाता है, कुछ लोगों को नहीं भी मिलता है। एंड आफ्टर दैट फिर आप धीरे धीरे अपनी जर्नी में वो सक्सेस की तरफ जाते हो, और जब सक्सेस जब आपने अपनी लाइफ में अचीव कर लिया होता है तो आप एक ग्रेट पर्सनालिटी बन चुके होते हैं। एंड आफ्टर दैट वहाँ से आपका एक भी गलत मोमेंट आपके साथ पूरे जर्नी, पूरे हार्ड वर्क, जितना भी आपने अपने कंपनी के लिए, खुद के लिए कंट्रीब्यूट किया होगा, वो सब कुछ बेकार हो जाता है, सब कुछ इरिलेवेंट हो जाता है, उसका बहुत साइड इफेक्ट होता है। तो सेम लाइक दिस इस स्टोरी में हुआ चंदा कोचर के साथ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इनकी जर्नी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको बताऊं तो चंदा कोचर जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करती थी, एंड आफ्टर इट इनकी स्कूलिंग भी वहीं पे कंप्लीट हुई थी। देन फिर ये मुंबई आई, एंड मुंबई आने के बाद फिर इन्होंने अपना ग्रेजुएशन वहीं से कंप्लीट किया, एंड आफ्टर इट इन्होंने CMA इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया एंड वहाँ से कॉस्ट अकाउंटेंसी की पढ़ाई की। लेटर डिड ए मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, इन्होंने मास्टर इन मैनेजमेंट किया मुंबई यूनिवर्सिटी से, एंड उसके बाद ये गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी है CMA इंस्टीट्यूट की तरफ से, इनको गोल्ड मेडल मिल चुका है JN बोस गोल्ड मेडल इन कॉस्ट अकाउंटेंसी। फिर 1984 कोचर ज्वाइन द इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पहले ICICI था, बाद में बैंक बना है, एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी। ड्यूरिंग हर अर्ली ईयर्स एट ICICI हैंडल प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड मॉनिटरिंग एंड एवलुएट प्रोजेक्ट इन इंडस्ट्रियल सच ए टेक्सटाइल पेपर एंड सीमेंट। 1993 से 2009 में फिर चंदा कोचर को AGM बनाया गया था, बिकॉज फिर देखो आप यहाँ पे ICICI बैंक आ चुका है, बिकॉज यहाँ पे फिर क्या हुआ था, ICICI ने ना RBI के जो नॉर्म्स होते हैं बैंक्स के लिए उसको इन्होंने फुलफिल किया था, एंड आफ्टर दैट ये अपने बैंक्स की डिविजन से स्टार्ट कर रही थी। तो वहाँ पे चंदा कोचर के वर्क्स को देखते हुए इन्हें असिस्टेंट जनरल मैनेजर बनाया गया, ठीक है, एंड इनको असिस्टेंट जनरल मैनेजर, और इन 1994 देन डिप्टी जनरल मैनेजर भी इनको बनाया गया। पहले असिस्टेंट जनरल मैनेजर थी, फिर डिप्टी जनरल मैनेजर बन गई। एंड इन 1996 में कोचर हेडेड द न्यूली फॉर्म्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री ग्रुप ICICI, विच एम टू क्रिएट डिसाइड डेडिकेटेड इंडस्ट्री एक्सपर्टाइज इन द एरिया ऑफ पावर, टेलीकॉम एंड ट्रांसपोर्टेशन। मतलब फिर ICICI बैंक ने अपने बिजनेस को बढ़ाते गया, एंड चंदा कोचर ICICI बैंक को लीड करते गए। इन 1998 सी वाज प्रोमोटेड टू जनरल मैनेजर। आप देख सकते हो 2 साल 1 साल के अंदर इनका प्रमोशन होते जा रहा है, एंड फिर इन्हें जनरल मैनेजर बना दिया गया एंड हेडेड एट ICICI बैंक। फिर चंदा कोचर 2000 में इनको अंडर कोचर लीडरशिप ICICI बैंक स्टार्टेड बिल्डिंग एंड नेसेंट रिटेल बिजनेस इन 2000 में इनका रिटेल बिजनेस स्टार्ट हुआ। रिटेल बिजनेस में जहाँ पे पब्लिक से डायरेक्टली इंट्रैक्शन होता है, जैसे कि आप किसी भी ICICI बैंक के आप ब्रांच में चले जाओगे तो जो उनका ब्रांच होता है जहाँ पे आप अपने सेविंग अकाउंट्स आप ओपन कर सकते हो, वो जो डिवीजन था वो उनका 2000 में जाके स्टार्ट हुआ। एंड वहाँ पे चंदा कोचर को वहाँ पे भी उनका रोल दिया गया, एंड वहाँ पे भी उन्होंने अपने रोल बखूबी निभाए। सी टू कवर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फिर वहाँ पे बन चुके थे। एंड आफ्टर दैट इन 2006 कोचर वॉज अपॉइंटेड एट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, उनको डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। इन 2006-07 कोचर हैंडल्ड इन इंटरनेशनल कॉर्पोरेट बिजनेस ऑफ बैंक फ्रॉम 2007 to 2009। She was the banker's chief CFO and joint managing director. फिर 2009 से 2018 तक अगर देखा जाए तो कोचर अपॉइंटेड एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CFO, एंड देन इसी फेज में इनका जो सैलरी था
वह 7.95 करोड़ के आसपास था, बिकॉज इनको काफी तेजी से इनका ग्रोथ हुआ था और उस हिसाब से आईसीआईसी बैंक इनकी सैलरीज भी इंक्रीमेंट कर रहे थे, बिकॉज जब आप अच्छा करते हो तो आपको अच्छा पे भी देने के लिए कंपनी तैयार होती है, सेम लाइक इनके साथ भी हुआ। इन्होंने आईसीआईसी बैंक के सारे डिविजन्स प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट करके दिखाया और जिसकी वजह से इन्हें आईसीआईसी बैंक ने पैसे भी देने में कोई कंप्रोमाइजिंग नहीं किया एंड हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर बैंक। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। कोचर इसके अलावा भी अगर मैं आपको इनके बारे में कुछ टॉप चीजें बताना चाहता हूँ, इन्होंने इंटरनेशनल मॉनिटरी कॉन्फ्रेंस की प्रेसिडेंट रह चुकी है। वहाँ पे क्या होता है 70 लार्जेस्ट जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं वेरियस कंट्रीज 30 कंट्रीज के वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी प्रेसिडेंट रह चुकी है। इसके अलावा भी अगर आप बात करो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स, तो इनको पद्म भूषण भी मिल चुका जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, ऑनर होता है, इन 2011 में इनको मिला था। एंड इनके ऊपर जो एलिगेशन स्टार्ट हुआ ना 2016 से स्टार्ट हुआ, एंड एलिगेशन क्या हुआ था, ये आईसीआईसीआई बैंक से इन्होंने वीडियोकॉन ग्रुप को लोन दिया था। उस लोन के लिए जैसे आप बैंक्स के नॉर्म्स होंगे उस बैंक्स के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको लोन देना था, बट चंदा कोचर ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने नॉर्म्स को विदाउट फॉलो करते हुए वीडियोकॉन को उन्होंने लोन दे दिया। एंड आफ्टर दैट हुआ क्या कि वीडियोकॉन बैंकरप्ट हो गई और उसका मैटर इंसॉल्वेंसी में चला गया। आपने इंसॉल्वेंसी इन बैंकरप्सी कोड पढ़ा होगा, जब इंसॉल्वेंसी इन बैंकरप्सी कोड आया तो इनका मैटर इंसॉल्वेंसी में जा चुका था वीडियोकॉन का। एंड फिर वहां से मालूम चला कि आईसीआईसीआई बैंक ने लोन दिया था 3,250 करोड़ का, एंड फिर चंदा कोचर के ऊपर काफी एलिगेशंस लगने शुरू हो गए। एंड देन फिर कुछ टाइम के बाद आईसीआईसीआई बैंक ने इन्हें रिजाइन करने के लिए भी बोल दिया एंड फिर उन्होंने रिजिग्नेशन दिया। अभी इनके ऊपर सीबीआई एंड उसके अलावा इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट, मनी लॉन्ड्रिंग, वेरियस एक्ट्स में इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। अभी केसेज अंडर प्रोसेसिंग है, अभी उसके ऊपर फाइनल डिसीजन नहीं आया, कोई कंक्लूजन नहीं आया। बट आप देख सकते हो कि आपके लाइफ में आपने इतना ज़्यादा सक्सेस को अचीव किया और एक गलत आपका स्टेप शायद आपके वो सारे सक्सेस के ऊपर भारी पड़ गया। एंड मोस्टली जहाँ से आप टॉप से और टॉप पे जा सकते थे आप वहाँ से आप सीधे डाउनफॉल कर चुके हो। एंड अभी चंदा कोचर के ऊपर एवरी डे या बोला जा सकता है फ्रिक्वेंटली इन्हें कभी सीबीआई, कभी इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट, कभी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेज में जाना पड़ता है, इंक्वायरीज में जाना पड़ता है इन्हें, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए कभी भी मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि लाइफ में जब भी आप सक्सेस के पास पहुँचो तो आपको खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करना पड़ेगा। एंड शायद उस समय एक चीज और भी मैं बताऊं, जब आप लाइफ में सक्सेस अचीव करते हो तो देन आपको अपने रिलेटिव्स, अपने फैमिलीज एंड उन सबके साथ आपको व्यवहार तो आपको अच्छा करना ही पड़ेगा, हाँ, बट आप कुछ भी अगर आप कर रहे हो तो आपको काफी केयर टेकिंग करना होगा। बिकॉज इनके केस में हुआ क्या था, इन्होंने जैसे वीडियोकॉन को लोन दिया था और उसमें कहीं ना कहीं इनके हस्बैंड है दीपक कोचर, उनका भी कुछ इन्वॉल्वमेंट था एंड जिसके वजह से शायद दोस्ती, फ्रेंडशिप, ऐसा कुछ रिलेशन की वजह से इन्होंने लोन दे दिया एंड जिसका साइड इफेक्ट हुआ इनके कैरियर के ऊपर। तो फ्रेंड्स, फैमिली एक साइड होती है और एक आपका बिजनेस और प्रोफेशनल लाइफ एक अलग होता है, तो दोनों को आप कभी भी एक साथ लेके मत चलो। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके बियॉन्ड दी पावर हो बट आपने फ्रेंडशिप में उसे कर दिया, बट उसका साइड इफेक्ट इन फ्यूचर हो सकता है आपके ऊपर। तो डेफिनेटली मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि प्लीज जब भी आप लाइफ में एक मोमेंट पे पहुंच जाओ फिर आप अपने डिसीजंस के ऊपर, अपने सिग्नेचर के ऊपर किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन करने से पहले केयरफुली उसको रीड करना बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।